तुम हो अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से कसम से। हे गाइस, माय नेम इज दास गुंजन और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल द वायलेट गिटार में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम को जो 100% बिगनर्स को होती है, जिसका नाम है कॉर्ड शिफ्टिंग। आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक बिगनर हो, एक एक्सट्रीम बिगनर हो जिसने कल ही गिटार खरीदा है, या फिर एक इंटरमीडिएट प्लेयर हो, तो आपके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है मेक योर फिंगर्स रॉकेट। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग करना है कुछ एक्सरसाइजेस के ज़रिए। इस वीडियो कोर्स में मैंने स्टेप बाय स्टेप वो सारी एक्सरसाइजेस सिखाई हैं जो आपको एक एडवांस प्लेयर बनने में हेल्प करेंगी। अगर आप यह कोर्स ख़रीदना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कोर्स डिटेल करके DM कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा। थैंक यू। तो जब हम एक बिगनर होते हैं, कुछ मंथ्स हुए होते हैं इंस्ट्रूमेंट प्ले किए हुए, एंड स्टिल यू नो आप कॉर्ड शिफ्ट नहीं कर पाते हो, फॉर एग्जाम्पल E- से D में जाने में टाइम लगा रहे हैं, G से C में टाइम लगने में, शिफ्ट करने में टाइम लग रहा है, तो इसे ठीक करने के लिए, इसे सीखने की एक प्रॉपर अप्रोच है जो ज़्यादातर बिगनर्स को पता नहीं है, इसीलिए वो कई महीने लगा देते हैं, उसके बाद भी उनकी कॉर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। उस अप्रोच को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं 3 स्टेप्स को डिस्कस करूँगा, उन 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, जो है इंडिविजुअल कॉर्ड मास्टरी। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर आपको G मेजर से D मेजर में शिफ्ट करना सीखना है, या कोई भी 2 कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड X एंड कॉर्ड Y, अगर आपको इन 2 कॉर्ड्स में शिफ्ट करना सीखना है, आपके सॉन्ग में ये 2 कॉर्ड्स आ रहे हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिना उन कॉर्ड्स को सीखे वो डायरेक्ट उसकी शिफ्टिंग सीख रहे हैं। आपको सबसे पहले इंडिविजुअली उस कॉर्ड को मास्टर करना है, उसके लिए आपको क्या प्रैक्टिस करना है डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं आपको प्रैक्टिस करना है E माइनर और D मेजर के बीच में शिफ्टिंग। अब ये शिफ्टिंग कुछ और भी हो सकती है, पेयर आप आपके हिसाब से ले सकते हो, मैं ले रहा हूँ E माइनर एंड D मेजर। तो सबसे पहले हमें E माइनर को मास्टर करना होगा, यानी कि 3 स्टेप्स में हम E माइनर कॉर्ड को मास्टर करेंगे। अब अगेन इसमें भी हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, स्टेप 1 है कॉर्ड को होल्ड करना, स्टेप 2 है प्लग करना, एंड स्टेप 3 है लिफ्ट करना फिंगर्स को, पूरा प्रॉपर स्ट्रेच करेंगे एंड देन रिपीट करेंगे, होल्ड प्लग लिफ्ट, होल्ड प्लग एंड लिफ्ट, ये करते जाएंगे जब तक आपकी फिंगर्स को, आपके लेफ्ट हैंड को ये कॉर्ड याद नहीं हो जाता है। उसी तरह से D मेजर, क्योंकि मेरा दूसरा पेयर, जो इस पेयर में जो दूसरा कॉर्ड है वो D मेजर है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कॉर्ड होल्ड कर रहे हैं एंड एक साथ डाउन स्ट्रोक देके चेक कर रहे हैं, नहीं। कॉर्ड सीखने के लिए आपको उसे इंडिविजुअली प्लग करना है, आवाज साफ आने का वेट करना है, आवाज साफ अगर नहीं आ रही है तो एनालाइज करना है क्या रीजंस हो सकते हैं आवाज साफ ना आने के, या तो आपकी फिंगर्स का जो प्रेशर है वह इनफ नहीं है, या फिर आपकी फिंगर दूसरी स्ट्रिंग को टच कर रही है। अब इस चीज को आपको खुद से ऑब्जर्व करके रेक्टिफाई करना है एंड इसे तब तक रिपीट करोगे, होल्ड प्लग लिफ्ट, होल्ड प्लग लिफ्ट, कब तक, जब तक आप सुपर कंफर्टेबल नहीं फील करते हो। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पर, जो है डाउन स्ट्रोक ऑन E माइनर एंड देन डाउन स्ट्रोक ऑन D मेजर, डाउन स्ट्रोक ऑन E माइनर, डाउन स्ट्रोक ऑन D मेजर। यहां पर अब आपको इन दोनों कॉर्ड्स के बीच में बहुत धीरे धीरे डाउन स्ट्रोक देना है, जैसे मैं दे रहा हूं। आप इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 1 मिनट या 2 मिनट तक लगातार प्रैक्टिस करोगे। अगेन इसमें स्पीड नहीं चाहिए हमें, हमें बहुत स्लो प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड मसल मेमोरी डेवलप करना चाहते हैं एंड मसल मेमोरी डेवलप करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमें स्लो प्रैक्टिस करना है। अगर हम फास्ट करेंगे तो मसल मेमोरी डेवलप नहीं हो रही होगी, स्पीड बढ़ रही होगी बट वो मसल मेमोरी में नहीं डेवलप हो रही होगी।
इनिशियली अगर आप इसे स्लो प्रैक्टिस करके मसल मेमोरी डेवलप कर लो, इसके बाद स्पीड बढ़ाना आसान है. ओके, ई माइनर डी मेजर, बहुत स्लो. इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पर, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि कॉर्ड शिफ्टिंग विद मेट्रोनोम. मेट्रोनोम का नाम है प्रो मेट्रोनोम. ये आज तक मैंने जितनी भी मेट्रोनोम एप्लीकेशंस यूज़ करी हैं, सबसे बेस्ट मेट्रोनोम एप्लीकेशन है. अगर आप भी नई मेट्रोनोम एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन को ज़रूर ट्राई करके देखना, ये फ्री है. ओके, तो यहाँ पर आपको मेन स्क्रीन दिख रही है एंड एक नंबर दिख रहा है, 1, 2, 0 या कुछ भी हो सकता है. इसका मतलब होता है स्पीड, टेम्पो. टेम्पो का मतलब है अगेन स्पीड ऑफ म्यूज़िक. तो यहाँ पे हम इस टेम्पो को चेंज भी कर सकते हैं अगर आप 120 पे क्लिक करोगे एंड कुछ भी नंबर डाल सकते हो, यू नो. और ये एक व्हील है, इस व्हील को घुमाकर भी आप चेंज कर सकते हो, अपनी स्पीड चेंज कर सकते हो. ओके, बट सबसे पहले आपको अभी सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड टोन को 13 बनाना है. टोन 13 बनाते ही जब आप इसे प्ले करोगे तो ये 1, 2, 3, 4 ऐसे बोलेगा. अदरवाइज अगर टोन 13 ना हो तो ये कुछ क्लिक्स या बीट्स की साउंड देगा. सबसे पहले आपको मेट्रोनोम को 40 BPM पे सेट करना है. मैं अपने एंड पे 40 BPM पर सेट करके बताता हूँ. चेंज. चेंज. तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया. क्या हो रहा था, जब उसने 1 बोला तो मैंने प्ले किया 1, 2, 3, 4, यानी कि चारों बीट्स के लिए मेरा लेफ्ट हैंड ई माइनर को प्रेस किया हुआ है. ओके, 1, 2, 3, 4, चेंज 1, यानी कि फोर्थ बीट बोलते ही आपको चेंज करना है एंड फर्स्ट बीट आते ही आपको डाउन स्ट्रोक देना है डी मेजर पे. यह आप समझ पाए, करके बताता हूं. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एंड ये करते जाना है एटलीस्ट 2-3 मिनट, जितना भी आपके पास समय है, बट एटलीस्ट 2 मिनट्स तो हम इस एक्सरसाइज को करेंगे. इसके बाद आप ग्रेजुअली स्पीड भी बढ़ा सकते हो. जैसे अगर अभी मैंने स्पीड बढ़ाई है, अभी स्पीड देखें तो ये 144 है. मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया. इस एक्सरसाइज को आपको बहुत स्लो प्रैक्टिस करना है एंड एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 एंड देन एक्सरसाइज 3 पर आना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्ट मेट्रोनोम को यूज़ कर रहे हो तो हम ये कर ही नहीं पाएंगे. सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 1 के साथ कंफर्टेबल होना है, यानी कि एटलीस्ट कॉर्ड पकड़ना सीखना है. देन आप उन कॉर्ड्स के बीच में शिफ्ट करना सीखोगे फ्रीली विदाउट मेट्रोनोम एंड देन स्टेप 3 में आप मेट्रोनोम को ऐड करोगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो. मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहता हूँ, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो द वायलेट गिटार नाम से. थैंक यू.